नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा और हमारे सारे श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ BNNO की अध्यक्षा अंजना जी को, जिन्होंने आज इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी है। पापा पगली करती हुई आज ये संस्था एक वट वृक्ष के रूप में फैल चुकी है, जिसके कि 50,000 सदस्य बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सारी चीज़ें कर रही हैं, ये हमारे विशेषकर जैन साधर्मिकों को आगे बढ़ाने के लिए कर रही हैं। कहते हैं ना कि भोजन हम किसी को सुबह देंगे तो दोपहर को भी देना पड़ेगा और शाम को भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम किसी को उसके पैरों पर खड़ा करते हैं ना, तो वो स्वयं का तो जीवन यापन करता ही है, लेकिन अपने पूरे परिवार का भी जीवन यापन करता है। तो आज इस संस्था के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट की कई कक्षाएं चल रही हैं, और जो भी सुन रहा है और जो भी ऐसे कुछ लोगों को जानता है कि जिन्हें ये कक्षाएं सीखनी चाहिए, तो उन्हें इसके बारे में आप ज़रूर बताएं कि ये संस्था किस तरह से कार्य कर रही है। और शीघ्र ही 27 और 28 जनवरी को इनका एक मेगा प्रोजेक्ट, मेगा कार्यक्रम होने जा रहा है। मंजिलें और भी हैं, जी हाँ, शिखर के बाद शिखर तो और भी होते हैं। हम एक शिखर तय करते हैं, उसके बाद फिर अपना एक संकल्प करते हैं कि एक नया शिखर बनाएंगे, कि कोई कैसे छूता होगा आसमां को। हर किसी के पास तो विमान नहीं होता, लेकिन अगर जज्बा हो दिल में कुछ भी कर गुजरने का, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। तो इस संस्था ने और इसकी अध्यक्षा ने, इसकी कार्यकारिणी समिति ने आज सभी सिद्ध कर दिया है कि हम चाहें तो आसमान को छू सकते हैं। और सही मानों में वुमन एम्पावरमेंट होता क्या है आखिरकार, जब एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है, वही वुमन एम्पावरमेंट होता है। कि वक्त बदला है और वक्त का मिजाज भी, जागी है हिम्मत और जागा है विश्वास भी। आज नहीं मैं अबला, आज नहीं मैं बेचारी, बदल चुकी हूँ खुद को, शक्ति है पहचान हमारी, शक्ति है पहचान हमारी। तो आइए हमारे इस अभियान में आप भी जुड़ें। हमारी अपनी संस्कृति को सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आज हम आगे बढ़ाएं। और एक नारी जब आगे बढ़ती है ना, तो एक परिवार नहीं बल्कि वो दो दो परिवारों को आगे बढ़ाती हैं। तो यही कार्य हमारे BNNO के द्वारा हो रहा है और आगे भी होता जाएगा। अभी 50,000 सदस्य हैं, भविष्य में 5,00,000 भी हो सकते हैं और 50,00,000 भी हो सकते हैं। ये आप पर निर्भर होता है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। बस एक पत्थर सो जरा तबीयत से उछालो यारों, और आसमान में छेद हो जाएगा। तो जी हाँ, आइए जुड़ते हैं। लेकिन एक बात और है कि बहुत आसान होता है गगन को चूम लेना, बहुत आसान होता है खिलते हुए चमन को चूम लेना, आंसुओं को पहुँचना भी बहुत आसान होता है, पर बहुत कठिन होता है दुखित पीड़ित मन को चूमना। और ये काम हम सब मिलकर कर रहे हैं, और आप भी हमारे साथ ये काम करिए कि जिंदगी में कोशिश करें, ज़्यादा नहीं लेकिन एक चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, एक परिवार को खड़ा करें। यही हमारा जीवन सार्थक यही होगा। हमें 84,00,000 योनियों में से ये जीवन मिला है, तो इसका गुण क्या होने चाहिए? प्रेम, दया, त्याग, सेवा, परोपकार। केवल काया के मुरझाने मात्र से मनुष्य के जीवन का अंत नहीं होता, लेकिन इन गुणों के विलोम हो जाने से जीवित मनुष्य भी मृतक के समान हो जाता है। प्रकृति का कण कण हमें कुछ न कुछ देता है। आइए हम भी एक कोशिश करें, छोटी सी कोशिश, किसी के आँखों में आशाओं के नए दीप जला दें, उदास चेहरों पर हम मुस्कुराहट ला सकें कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दें ना हम सब मिलकर, तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दें ना, तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। आइए इस अभियान में हम जुड़ते हैं। जय जिनेंद्र, नमस्कार।